नमस्कार साथियों, प्रतिस्पर्धा क्लासेज अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल डुडेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पे वीडियोस रेगुलरली और कंटिन्यूसली डल रही हैं। उसी क्रम में मैं आज मैथ्स का आपको एक टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे वो आपका स्टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम है, नंबर सिस्टम हर एग्ज़ाम में आता है। इवन अगर मैं बात करूं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, एलडीसी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जहां कहीं भी मैथ्स आनी है, मैथ्स का एक बेसिक और सबसे अच्छा एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। उसके क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं, और सिर्फ एक नहीं, दो से तीन क्वेश्चन पेपर में नंबर सिस्टम के देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें नंबर सिस्टम को, तो नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहले अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। नंबर सिस्टम अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। नंबर सिस्टम के अंदर छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। जैसे कि आपने सुना पाव भाजी, पाव भाजी अपने आप में एक डिश है, लेकिन अगर पाव भाजी के अंदर की बात करें, तो घिया डला हुआ है, आलू डला हुआ है, टमाटर डला हुआ है, बैंगन डला हुआ है, वो उसके कंटेंट है, वो उसकी रेसिपी है। ठीक ऐसे ही नंबर सिस्टम के अंदर भी हमारे कुछ पांच छह छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हमारे को वो पढ़ने होते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले मैं वो लिखता हूं, फिर हम क्वेश्चन वगैरह करना वहां से देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो हमको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है, वो आता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, हिंदी में इसे हम कहेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक। एग्जाम्पल भी साथ के साथ देता जाता हूं मैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 12 की पावर 2, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें शायद पता है 12 की पावर 2 तो होता है सर 144, और 144 में इकाई का अंक क्या हो गया, 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तब हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट तब हो जाएगा जब मैं बोलूं 12 की घात 123 है। 12 की घात 123 है। अब बताओ इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट का मतलब यह है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो लास्ट का अंक क्या आएगा, हमारे को यह बताना है। अरे सर, 12 का स्क्वायर तो याद है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको 12 का क्यूब भी याद नहीं होगा, 12 की घात 3 भी नहीं पता होगा। जब 12 की घात 3 नहीं पता, तो सर 12 की घात 123 कैसे पता होगा। तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, और वो जो कॉन्सेप्ट कवर होंगे, वो हमारा जो टॉपिक होगा, जिसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट, और अब से थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अभी बताने का मकसद यह है कि हमें आगे क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें कवर होंगी। अगली चीज जो आएगी यहां पे, वो आएगा हमारे सामने रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। सर, शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन कैसे होते हैं, शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि 22 में 7 का भाग दे, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल, यानी इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर। 22 में 7 का भाग दिया, बताओ शेषफल क्या आएगा। आपके लिए कहानी बड़ी आसान हो जाएगी, क्या 7 या 21, 3 बार चला गया, बचा कितना, 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब मैं बोलूं बताओ 22 की घात 68 है, और अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। या ये क्वेश्चन मैं बोलूं थोड़ा सा डिफिकल्ट और कब हो जाएगा, जब मैं ये बोल दूं कि यहां 22 ना लिख के मैंने लिख दिया कि 20,
20 की घात 19 डिवाइडेड बाय 7, अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाएगा, क्वेश्चन टफ होने का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा जब हम इस प्रॉपर टॉपिक को आपस में पढ़ेंगे। जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इन क्वेश्चनों का लेवल अच्छे से लेके चलेंगे, और जो लेवल होगा वो बिल्कुल जीरो से उस लेवल तक जाएगा जहां पे आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि अरे क्वेश्चन इस तरीके से भी जा सकता था क्या। लेकिन वो सब हमारे को पेशेंस करके एक एक चीज वाइज सीखना है। फिलहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हाँ, हमें दूसरा जो चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है, रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए जितनी चीजें आपको बताई हैं। सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है, पढ़ा भी मैं कुछ भी नहीं रहा, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है। तीसरी चीज जो बेटा आएगी हमारे सामने, तीसरी चीज आएगी हमारे सामने वो आएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, यानी गुणनफल के अंत में शून्यांकों की संख्या, गुणनफल के अंत में शून्यांकों की संख्या। सर ये क्या बीमारी है, ये क्या टॉपिक है, इसको भी हम समझते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 × 2 × 3 × 5 × 6 इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी, यानी अगर हम इन सबको अगर हम गुणा करें, इन सबको अगर हम गुणा करें, 6 × 5 = 30, 3 × 90 = 180, 2 × 6 = 35, 6 × 180, 180। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि इनका गुणा क्या आएगा, वो तो भैया हम सीख चुके हैं कौन सी क्लास में, छोटी क्लासेस में, है ना। अब हमारा मकसद ये नहीं है कि इनका गुणा कितना आएगा, अब हमारा टॉपिक ये कहता है या हमारी हेडिंग ये कहती है कि इस गुणन के एंड में कितनी जीरो आई, कितनी जीरो आई, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, देन योर आंसर विल बी दैट वन, कि हमारे पास कितनी जीरो आई है यहां पे, 1। ये गुणा तो आपने कर लिया, लेकिन अगर यही गुणा ऐसे होता 7, 8, 9 up to --100, तो क्या हम पेपर में ये सब गुना कर पाते। पेपर में एक क्वेश्चन के लगभग लगभग 30 सेकंड का समय मिलता है हमें, 30 से 35 सेकंड का, तो क्या उस 35 सेकंड में हम गुना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे को ये जो टॉपिक है, क्या गुणनफल के अंत में शून्यांकों की संख्या, ये चीज पढ़नी पड़ेगी, ये चीज हमें आनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, अगला जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो आएगा फोर्थ नंबर पे, दैट इज फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। सर गुणनखंड के क्वेश्चन कैसे होंगे, गुणनखंड का अगर मैं आपसे पूछूं गुणनखंड होते क्या है, एक बार अपने आप से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो कि गुणनखंड होता क्या है, शायद हमें आंसर देने में दिक्कत आएगी। ये एक्सपीरियंस है, जब जब क्लासेस में पूछा जाता है कि गुणनखंड क्या होते हैं, बच्चों को आता है लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताता हूं कि गुणनखंड क्या होता है। कोई भी अगर संख्या है, जस्ट लाइक 12, कोई भी एक संख्या है, इसमें जिस संख्या का भाग चला जाता है, और भाग चले जाने का मतलब है पूरा पूरा भाग चला जाता है, एनी नंबर दैट विल डिवाइड दिस नंबर कंप्लीटली विल बी इट्स फैक्टर। ऐसी कोई सी भी संख्या जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, मैं विभाजित की बात नहीं कर रहा, पूर्णतः विभाजित यानी पूरा पूरा भाग दे देगी, वो संख्या इस 12 का फैक्टर कहलाएगी। तो क्या 12 में 1 का भाग जाता है, जाता है। अरे सर 1 का भाग तो सब में जाता है। 12 में 2 का भाग जाता है,
बिल्कुल जाता है। तीन का जाता है, जाता है। चार का जाता है, छह का जाता है, और बारह का जाता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब बच्चे एक चीज समझना कि ये सभी संख्याएं क्या बारह को पूर्णतः विभाजित कर देंगी? क्या बारह को पूर्णतः विभाजित कर देंगी? बिल्कुल कर देंगी। तो अगर ये पूर्णतः विभाजित कर देंगी तो ये सभी बारह के क्या कहलाएंगे? ये सभी बारह के गुणनखंड कहलाएंगे, बारह के फैक्टर कहलाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ बारह के कितने फैक्टर होंगे, बारह के कितने फैक्टर होंगे। ये नहीं पूछा कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से की बात करूं, तो ये सभी क्या है? बारह के फैक्टर हैं। आपसे पूछा है बारह के कितने फैक्टर होंगे, तो पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर, पांचवा फैक्टर, छठा फैक्टर, तो हमारा आंसर कितना हो गया? छः। बारह के कितने फैक्टर होंगे? छः। लेकिन सेम क्वेश्चन डिफिकल्ट तब हो जाएगा जब यहां बारह ना लिख के एग्जामिनर लिख देगा बताओ 1024 के कितने फैक्टर होंगे, 1024 के कितने फैक्टर होंगे। तो क्या हम ये देखेंगे 1024 में एक का भाग जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है, चार का, पांच का, ऐसे कहां तक ट्राई करेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर हमें क्या पढ़ना होगा? गुणनखंड का बेसिक पढ़ना होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इसके आते हैं। सिर्फ एक व्यू था कि गुणनखंड के टॉपिक से हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। साथ ही साथ एक चीज क्लियर कर दूं, किसी भी संख्या में एक का भाग तो हमेशा जाता ही जाता है, इसलिए एक को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब हो गया सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुणनखंड। और आप समझ सकते हो सार्वत्रिक का मतलब है जो सबके लिए है। सबके लिए तो क्या है? भगवान है। और भगवान कितना है? एक। भगवान एक है तो एक से याद रखेंगे, एक जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यानी उसका भाग सभी संख्या में जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार हम पढ़ चुके हैं, फिफ्थ चीज, फिफ्थ पढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने सीरीज के, सीरीज जिसको हम बोलते हैं श्रेणी, श्रेणी। श्रेणी के क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे सामने? श्रेणी के क्वेश्चन भी हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाते हैं पेपर में। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, वन अपॉन में सिक्स प्लस वन अपॉन में ट्वेल्व प्लस वन अपॉन में ट्वेंटी अप टू डैश डैश वन अपॉन में 72। सर इसमें कुछ ना कुछ सीरीज होगी, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे? या आपसे क्वेश्चन ऐसे बोल देगा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। सर इसमें आप देख रहे हो इनफाइनाइट टर्म्स है, ये कहानी अनंत तक जारी है, तो क्या हम ये कोई एक या दो टर्म तो है नहीं जिसको हम सोल्व करने बैठ जाएंगे? ये कहानी लंबी चल रही है, अनंत तक जारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्या है, ये श्रेणी का क्वेश्चन है। और ऐसे जो क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन हम करेंगे कहां पे? हम श्रेणी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। श्रेणी में मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको एपी पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एचपी पढ़ाऊंगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब चीजें आपको हम आगे पढ़ेंगे। सिक्स चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें रिकरिंग डिजिट, रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग डिजिट से मतलब हो गया, रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, और डिजिट का मतलब हो गया अंक। हां जी, पुनरावृत्ति अंक, पुनरावृत्ति अंक का मतलब यह है कि जब कोई अंक रिपीट होने लग जाता है, जब कोई अंक रिपीट होने लग जाता है तो वहां हम बोलते हैं पुनरावृत्ति हो रही है। और इसी को हम थोड़ा सा अच्छे नाम से जानते हैं, बार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बार के नाम से। बिल्कुल, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि सर चार में नौ का भाग दो, तो आप देखोगे सर कुछ एक वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी।
या मैं बोलूं 0.4 के ऊपर जो बार है उसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 4 4 4, पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा होता है, 4 रिपीट हो रहा होता है। तो जब बार वाले क्वेश्चन आएंगे उसको हम क्या करेंगे, यहां पे सीखेंगे, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 2.14 के ऊपर बार है प्लस 3.09 के ऊपर बार है, इनको जोड़ के बताओ क्या आंसर आएगा। प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, एग्जामिनर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसने क्वेश्चन डाला है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, रिकरिंग डिजिट में हम जो चीजें पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं 7th, फिर हम पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजकता, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं डिविजिबिलिटी में, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। और मैं दावा कर रहा हूं उस चीज का कि एक बार जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे ना, अब आप देख लो 8-9 टॉपिक हमें पढ़ने हैं लगभग लगभग, तो हर टॉपिक में भी 2-2, 3-3 क्लासेस जब लगेंगी तो अराउंड लगभग लगभग हमारा एक महीना जो कवर होता है वो नंबर सिस्टम में होता है, अगर हम तरीके से पढ़े। और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक अगर पढ़ना है, एक एक चीज क्लियर करनी है, तो हमें सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मैंने यही बोला, नंबर सिस्टम अपने आप में छोटे छोटे टॉपिक्स का एक कंबाइंड ग्रुप है। डिविजिबिलिटी की बात करें तो आपको सामने डिविजिबिलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि किसी संख्या में 16 का भाग दिया जाता है, 16 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 बचता है, तो शेषफल 11 बचता है, बताओ उसी संख्या में अगर हम 8 का भाग दे दें तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन समझे, किसी संख्या में, संख्या ले ली n, क्वेश्चन ऐसा आएगा किसी संख्या में 16 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 बचता है, बताओ उसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जिस संख्या का यह भाग दिलवा रहा है और जो आपके पास शेषफल ऑलरेडी है, आप डायरेक्ट इसमें इसका भाग दे दो, जो आपको शेषफल दिया हुआ है और जो आपको दूसरा भाग दिलवाने की बोल रहा है, दूसरा भाग किसका, 8, आप डायरेक्ट इस 11 में 8 का भाग दे दो, जो भी शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा, जो भी शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। 11 में 8 का भाग दोगे, 8 एकम 8 कितना बचा, 3। और आप चीजें साथ साथ बोलते रहो, जब आप वीडियो देखो तो उसको साथ साथ बोलते रहो, 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीजें अगर मैं यहां पे हल्का सा चेंज करके लिखूं तो देखता हूं क्या आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन ये है, अगर किसी संख्या में 21 का भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है, कितना बचता है, 7, बताओ उसी संख्या में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो शेषफल क्या बचेगा, बताओ उसी संख्या में 5 का भाग दे दूं तो शेषफल क्या बचेगा। आप बोलोगे सर वही तो क्वेश्चन हो गया। तो आप, मैंने क्या बताया, इस 7 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 कितना बचा, 2। आप बोलोगे 2 और मैं बोलूंगा ये गलत आंसर है। ऐसा क्यों बोल जाऊंगा मैं, क्योंकि बेटा जहां कहीं भी जब ट्रिक लगती है ना, उस ट्रिक के साथ कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, और अगर आपको कंडीशन देखी नहीं है तो मैं यहां पे हल्का सा बता देता हूं, डिटेल में तो जब अपन पढ़ेंगे क्या डिविजिबिलिटी तब हम इस चीज को जान लेंगे। कंडीशन ये होती है कि ये दोनों क्या है, एक तरह से भाजक है, पहले आपने 16 का भाग दिया था बाद में 8 का भाग दिया था, 16 और 8, जरा बताओ 16 में 8 का भाग जाता है क्या, जाता है, 16 में 8 का भाग जाता है, इसलिए 8 जो हो गया 16 का फैक्टर हो गया, थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल हो गया। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं इनमें फैक्टर वाला रिलेशन होना चाहिए, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग चला जाना चाहिए,
तो बताओ क्या 21 में 5 का भाग जाता है? 21 में 5 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए इसका आंसर भी आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी आप निर्धारित नहीं कर सकते। अभी थोड़ा मैं फास्टली लेकर चल रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ बताना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में एक एक चीज क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता जो है हमारा, नेक्स्ट चीज आएगी दैट इज मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस का मतलब हो गया विविध, विविध का मतलब ये हो गया कि कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनर अपनी मर्जी से बनाता है, कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनर अपनी मर्जी से बनाता है उसको आप कहीं जर्नल कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जस्ट उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, थोड़ा आप चीजों को इधर उधर शिफ्ट करना जानना चाहिए नंबर्स को। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि दो अंकों की कोई संख्या है उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 4 गुना है और दोनों अंकों के बीच का अंतर 5 है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी। कुछ नहीं था क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ने लैंग्वेज के साथ खेला। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। और एग्जाम्पल के लिए कि एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, वो आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, बताओ कितनी बार हैंडशेक यानी हाथ मिलाए गए। सिर्फ इसको आप रीजनिंग में पढ़ लो, आप इसको मैथ में पढ़ लो, दोनों एक ही चीजें हैं, सिर्फ आपके कॉमन सेंस के ऊपर बेस क्वेश्चंस हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो हमें क्या पढ़ना है उसका मैंने रोड मैप तैयार किया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे यूनिट डिजिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।